दोस्तों, स्टेबलाइज़र एक ऐसा कोर्स है या फिर ऐसा डिवाइस समझ लीजिए कि इसका कनेक्शन आपको जल्दी से कहीं पर नहीं मिलने वाला है। या तो आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहाँ जब तक आप पुराने नहीं हो जाएंगे काम करते करते, तब तक वो कनेक्शन जो है दुकानदार आपको नहीं देता है, और ना ही आपको ये सारे कनेक्शन कहीं पर यूट्यूब पर या फिर कहीं गूगल पर, ये कहीं नहीं मिलते हैं जल्दी से। हाँ, वैसे मिल जाते हैं, नॉर्मली जो कनेक्शन होते हैं वो सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन एक ही बार आप सोचेंगे कि सभी टाइप के कनेक्शन आपको मिल जाएं तो वो नामुमकिन है। आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो में हमने जितने भी प्रकार के स्टेबलाइज़र के कनेक्शन होते हैं, और वो भी सिर्फ हमने अभी ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र से संबंधित सभी कनेक्शन को रखा है। और आपको मैनुअल का चाहिए, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग चाहिए, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वह भी न्यूनतम एक महीने का समय हमको दीजिए, क्योंकि और अन्य भी कोर्स हमको स्टार्ट करने हैं। स्टेबलाइज़र का कनेक्शन हम जो है कि एक महीने के बाद आपको कोर्स से संबंधित उसका वीडियो बनाऊंगा, और उससे संबंधित आपको जो भी डाउट रहेंगे सब क्लियर हो जाएंगे। यदि आप समझ सकते हैं तो इस वीडियो में जो भी मैंने कनेक्शन बनाया है उस चीज़ को आप देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Just wish he knew. तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को ये सारे कनेक्शन समझ में आए होंगे जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हों और थोड़े बहुत डाउट रह गया हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत डाउट आपके मन में है, तो शायद आप इस कनेक्शन को देख करके समझे होंगे। अन्यथा मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी ये कनेक्शन नहीं समझ में आए होंगे। तो मैं ये वीडियो क्यों बनाया, समझ में ही नहीं आया तो क्यों वीडियो बनाया, क्योंकि कुछ भाई मेरे ऐसे भी हैं जो कमेंट बार बार कर रहे थे कि सर स्टेबलाइज़र का कोर्स स्टार्ट कीजिए। तो अभी जो है कि सर हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, आप लोग हमको समय दीजिए, बाकी सभी कोर्स की वीडियो आएंगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए। सभी कोर्स के वीडियो को मैं वन बाई वन अपलोड करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से कोर्स को अपलोड करें ताकि आप जिनको कुछ भी ना मालूम हो वो भी हमारे कोर्स की वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखता है, सभी वीडियो को वन बाय वन करके, तो सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट करके परेशान कर रहे थे कि सर स्टेबलाइज़र का कनेक्शन बनाइए, मतलब कि उसका रिले का कनेक्शन बताइए, या फिर जो है कि उसका डायग्राम दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल चुकी होंगी, तो उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे या नहीं समझे होंगे, कुछ लोग समझे होंगे कुछ लोग नहीं समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक महीने के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको स्टेबलाइज़र के कोर्स से संबंधित वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर आप उन वीडियो को देख करके उम्मीद है कि सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।